हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी प्रवक्ता प्राथमिक शिक्षा भर्ती, जो कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक बड़ा बयान जारी किया गया है भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आपकी उत्तराखंड में पुरानी 2020 वाली भर्तियाँ एलटी 2020 कंप्लीट हो चुकी है और प्रवक्ता 2020 वाली भी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि प्राइमरी लेवल की जो शिक्षक भर्ती है 2020, 21, 22 सभी जो अटकी पड़ी हैं, लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षक से लेकर प्रवक्ता एलटी और प्रवक्ता और अन्य पोस्ट उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी भी वैकेंट सीटें हैं उनको भरने के लिए ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा व जो है स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्तियों की तैयारी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों विभागों में भर्तियाँ करने वाले हैं शिक्षा मंत्री, इस तरह का यहाँ पर ऐलान किया गया है। और इसमें कितनी कितनी पोस्ट है वो आपको बता देता हूँ मैं, जिसमें से यहाँ पर बताया गया कि 171 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होंगी, 800 ANM की पोस्ट होंगी और 2800 नर्सेस की पोस्ट होंगी और 3500 जो है चिकित्सक के यहाँ पर होंगी और साथ में यहाँ पर आपके 2500 जो है शिक्षा विभाग में होंगी। तो 2500 शिक्षा विभाग में यानी कि एलटी प्रवक्ता की पोस्ट इसमें होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षक भर्ती में लगभग 1900 के करीब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, इस तरह की यहाँ पर जो है बात रखी गई है शिक्षा मंत्री ने। और कहा गया है कि यहाँ पर इन पदों को भर्ती की जाएगी और जिसके लिए यहाँ पर कार्रवाई गतिमान है, कार्रवाई गतिमान करने की बात यहाँ पर बताई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर चाहे शिक्षक हो या फिर डॉक्टर, सभी की जो है भर्ती गतिमान है और जल्दी जो है सबकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी, जल्दी यहाँ पे सबकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और इस तरह का यहाँ पे कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि प्रदेश में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो सरकार द्वारा जल्दी यहाँ पर जो है भर्ती निकालने के लिए जो है फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, तो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और जल्द ही जहाँ पर निकाला जाएगा, तो जल्दी ही भर्ती यहाँ पर निकाला जाएगा, इस तरह धन सिंह रावत ने कहा है। और प्रदेश के जो है शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर घोषणा करते हुए ही कहा कि जल्दी जो है सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में रोजगार देने जा रही है। तो इस तरह का यहाँ पर बयानबाजी की है, हालांकि इससे पहले भी कहा गया था, लेकिन यहाँ पर जो है अब देखने वाली बात है कि क्या ये फिर से करेंगे नहीं करेंगे। और लेकिन आज जो है फिर बड़ी अपडेट यहाँ पर जारी हो चुकी है भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद अब फिर से इनका मुंह खुल चुका है और लगभग लगभग यहाँ प्राथमिक शिक्षा भर्ती है 1900 के करीबन बताए जा रहे हैं और यहाँ पर एलटी प्रवक्ता के लगभग 2500 करीबन जो है पोस्ट है इन पर निकालेंगे, चिकित्सा विभाग के अंदर पोस्ट निकालेंगे, इस तरह की यहाँ पर बात कही गई है जिन पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी फॉर्मूला तैयार करके हम इसका विज्ञापन निकाल देंगे, ये जो है शिक्षा मंत्री ने कहा है। अब बात है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने जो है अपना बयान जारी करा है और इस तरह की अपडेट है जो कि आप लोग देखते हैं, क्योंकि पोस्ट खाली है जो एलटी की नियुक्ति अभी वर्तमान समय में हो भी चुकी है, प्रवक्ता की भी हो चुकी है, उसके बाद भी कई हजारों पोस्ट अभी वर्तमान समय में खाली हैं, जिस हिसाब से विभागों के पोस्ट दिखाए जा रहे हैं उसी हिसाब से खाली भी हैं। लेकिन यहाँ पर अब भर्ती आनी तो चाहिए जिस हिसाब से है, क्योंकि 2020 के बाद से 2023 3 साल के बाद भर्ती 3 साल हो चुके हैं नई शिक्षक भर्ती, ना पलटी ना प्रवक्ता और प्राथमिक के तो 3 से अटके पड़ी हैं तीनों की तीनों भर्तियाँ, तो ये 3 साल होने वाले हैं, तो 3 साल हो ही गए हैं लगभग, तो ये भर्ती मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। अब देखते हैं कि निकालते हैं कि नहीं निकालते।